ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਈਟ ਰਾਈਟ ਮਿਲਟਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। मैं सौरभ सैनी, खेती विरासत मिशन तो खेती विरासत मिशन संस्था पिछले एक दहाके तो कुदरती खेती के प्रचार प्रसार से पंजाब कम कर रही है ते उदो तो ही असी मूल अनाजा की खेती दे ते उन्हां दे खाण पीण दे प्रचार प्रसार से लगे हुए हैं। ये जिहड़े तुसीं इत्थे देख रहे हो हर तरह के जिहड़े अपने पारंपरिक अनाज होंदे सी, जिहड़े अपने मूल अनाज होंदे सी, उन्हां दी असी प्रदर्शनी लगाई है। उन्हां नूं किवें उगाना है, किवें उन्हां दी प्रोसैसिंग कराणी है, किवें उन्हां नूं खाण दे अलग अलग तरीके वह सारे असी दसदे हां। जिहड़े इत्थे तुसीं देख रहे हो ज्वार, रागी, कंगणी, कुटकी, कोदरा, स्वांग, हरी कंगणी, ये साडे बाजरा, ये साडे मूल अनाज होंदे हैं जिन्हां च वाधू फाइबर हुंदा है जिहड़े कि सेहत वास्ते बहुत फायदेमंद ने। डॉक्टर खादर वली जिहड़े मिलट मैन ऑफ इंडिया के नाम तो जाने जाते हैं उन्हां दी गाइडलाइन के तहत असी लोगों से प्रचार करते हैं कि मिलट उगाने के की फायदे ने। पंजाब का हरियाणे का जो पानी बचाना है तो मिलट उगाने सब तो ज़्यादा जरूरी ने। फिर जो सेहत बचानी है तो मूल अनाज जिहड़े हैगे, मिलट जिहड़े हैगे, वो थोड़ी खुराक के हिस्से होने चाहिए हैं। मेरा नाम सरबजीत है, मेरा पिंड सहना है, तो मैं पिछले 10 साल तो खेती विरासत मिशन के नाल जुड़ी हुई हूँ जी। तो असी उस दिन तो ही 2010 तो ही असी कि ना मूल अनाजा प्रमोट करन दा होर जोर ला रहे हैं, लेकिन हुण अपने मानयोग प्रधानमंत्री जी दे कहन नाल कह लो कुछ साढ़े कि ना शलाघाजोग कदम के नाल ही यह असी मूल अनाजा दे लोगों को खवाने वास्ते, उन्होंने प्रोसैस कराने वास्ते तो उगाने वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मूल अनाज जिते अपने हैल्थ बेनीफिट दिता है उस उन्होंने खाने के भी तरीके अलग अलग होंगे है। खाने वास्ते असी आप मूल अनाज न किस तरह खा सकते हैं तो वह असी वक् वक् तरीके दसते हैं तो वह कि अनाज कि अपनी सेहत के लिए ठीक है ना, और उन्होंने बारे जानकारी दें। तो सब तो ज़्यादा असी मेजर तो मेजर प्रॉब्लम भी अंबली खा के इन्हों रिकवर कर सकते हैं। चंडीगढ़ में असी पंजाब और हरियाणा अपार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ में टारगेट कर रहे हैं कि इतने वध तो वध मूल अनाज को प्रमोट किया जाए। दिसंबर में गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस दो बार असी मिलेट का खाना खिला चुके हैं। इस तो अलावा पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा चीफ मिनिस्टर और हरियाणा गवर्नर के नाल भी बहुत वधिया और सार्थक मीटिंग्स हो चुकी हैं और हरियाणा में भी हुण केडीएम नूं बहुत अपरचुनिटी मिली है कि आप इनू अगे लेके जावांगे। सूरज कुंड मेला जिहड़ा होण वाला है फरवरी विच, उत्थे विच उत्थे केडीएम की एक वड्डी प्रेजेंस होएगी मूल अनाज का प्रचार करन लई। उस तो बाद जिहड़ी चंडीगढ़ विच G20 की मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर होण वाली है 29, 30 और 31 मार्च नूं, उहदे नाल ही पैरलर मिलेट्स एंड स्पाइसिस मेला चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज किया है जिहदी रिस्पोंसिबिलिटी खेती विरासत मिशन नूं दित्ती गई है। और ये खेती विरासत मिशन दे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दे एक बहुत ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होएगा मोटे अनाज का प्रचार करन लई, क्योंकि इत्थे 40 तो वध देशों के जिहड़े नुमाइंदे हन, डेलीगेट्स हन, वो आनगे। और इस तरह अज के मेले तो भी असी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत लोगों को पता चलेगा कि मिलेट्स की हैं और इन्हों कि खाना है, किदा उगाना है। मेरा नाम रशपिंदर सिंह है जी, पिंड शेरपुर कला। मैं खेती विरासत मिशन के नाल काम करके काम कर रहे हैं जी, मिलट खेती की प्रमोशन का काम कर रहे हैं। मिलट जी खेती किमें करनी है, उन्होंने किमें खाना किमें बना, वो सारे विषय से असं काम कर रहे। ये जो मिलट ने मूल अनाज ने ये 9 तरह के फसल ने, जिस कोदरा, कंगनी, बाजरा, कुटकी, स्वांग, 9 फसल ने। तो ये साढ़े पंजाब का जोड़ा मुख्य फसल से, साडा मुख्य भोजन भी सी।
जदों कणक ते चौल साडे प्री ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड तो पहला ये फसलां साडे खेतां दे विच उगाईआं जांदीआं सी ते असी जिहड़ी साडी खुराक दा मुख हिस्सा सी बट अंग्रेजां दे आउण नाल उदों कणक प्रचलित होई ते बाद च ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद दा मतलब ये जिहड़े मूल अनाज ने ये साडे खेतां दे विचों ते साडे थाली दे विचों बाहर चले गए बट हुण सानूं इहनां वल वापस मुड़ना पै रिहा क्योंकि ये साढ़े वातावरण लिए भी नहीं ठीक है फसल पूजी तो सेहत लिए ये जरा मोहाली विखे फैसटिवल हो रहा है ये असी अपने प्रोडक्ट लैके आए हैं जी पिंड संघा जिला मानसा ये सारे असी आटे ने मिलट के पंजे मिलट के आटे ने जी दलिए ने जी बिस्कुट तैयार किए हुए मिलट पर ये जे आटे आप लैके आए हैं ये सारे मतलब स्लो प्रोसैस न पीसे हुए ने घराट वाली चक्किया जिहड़े बिस्कुट तैयार किए ने देसी घ्यो के रागी के बिस्कुट ने ते शक्कर पा के शक्कर दे देसी घ्यो दे ते अड़ सारे मिलट दे 5 मिलट्स ने उन्होंने बिस्कुट ने रागी के ने बाजरे के ने सारे तरह के बिस्कुट तैयार किए हुए नाम वरुण गिरी है मैं खेती विरासत मिशन का वॉलंटियर है और अज इतने मेले च असी एक मेला ऑर्गेनाइज किया है मोहाली विच जिहड़ा कि FSSAI वालों ऑर्गेनाइज किया गया है और ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है मोहाली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट उन्हां वालों ये मेन इनिशिएटिव लेके खेती विरासत मिशन की सपोर्ट के नाल ये मेला इतने ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये असी इस बार इसका थीम रखा है मिलेट्स के उत्ते वैसे तो यह ईट राइट मेला है लेकिन इस साल क्योंकि मोदी जी की इनिशिएटिव के नाल UNO ने इनू 2023 जिहड़ा साल है ये मिलट ईयर इंटरनेशनल मिलट ईयर डिकलेयर किया है और इसनों अगे इस कड़ी अगे चलाते हुए हर जगह पर FSSAI इस तरह के मेले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस दे विच सारे मिलट्स के प्रोडक्ट हैं असी भी खेती विरासत मिशन के तरफ तो मिलट्स के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आए हैं जिन्हां विच ग्रेन है दैन अजकल दी जिंदा जनरेशन जो पसंद करती है पास्ता एंड नूडल्स और होर इस तरह दीयां चीज़ां वो भी सारे मिलेट्स से बने हुए प्रोडक्ट्स वो भी अवेलेबल हैं असी सारयां नूं अवेयर कर रहे हैं कि मिलेट क्यों खाने चाहिए हैं और इहदा हेल्थ दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल की फायदा है और इस दे विच किवें किवें अगे कुकिंग आपां किवें जा सकते हैं क्योंकि जदों भी असी मिलेट की गल करते हैं तो दो क्वेश्चन हमेशा रेज होंगे है एक हुंदा है कि असी ये मिलेट्स मिलने कितों हैं और दूसरा हुंदा है कि असी इन्हूं बनाना किवें है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह जी असी जिला मानसा तो लोकल मानसा तो आए जी साडा 2017 तो असी मिलेट्स से काम कर रहे हैं मानसा कैंचियां ते साडे फैक्टरी भी लगी हुई है तो एक स्टोर भी है अज असी इस मेले च पंजे तरह के मिलट के अनाज उन्होंने आटे मिलट्स तो तैयार बर्फी ते पिनी फ्लेक्स लैके आए जी ते न्यूडल पास्ता लैके आए मतलब जिहड़ा आने वाला समय है एक जिहड़ी कणक की खेती है ते चावल की खेती है यह बीमारियों का घर है कणक च ग्लूटन होंदी है जिहड़े ये अनाज ने मिलट्स ये ग्लूटन फ्री अनाज ने ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਅਰਥ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਜਸਪਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਲਟ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਲਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਹੂੰ ਔਰ ਚਾਵਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
और ये साडा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। असी किसानों भी प्रमोट कर रहे हैं कि किसान हुण गेहूँ और चावल की बजाए वो मोटे अनाज उगाण, क्योंकि खेती विरासत मिशन ने पूरा बीड़ा चक्या होया है। वो ऑरगैनिक खेती नू प्रमोट कर रहे हैं और नाल ही एदी अवेयरनेस फैला रहे हैं ताकि जिहड़े किसान है इनू वध तो वध उगाण ते फिर उन्हां तों ही खरीदे भी जा। मैं जी डॉक्टर राजेश चोड़ा, आयुर्वैदिक डॉक्टर। असीं इत्थे ईट राइट मेला स्टॉल लाया है जिहदे च असीं इह दसना चाहुंदे हां कि जिहड़े पॉजिटिव मिलट्स हैगे आ उह साडी जिंदगी च किस तरह बदलाव लिया सकते हैं। मिलट्स जिहड़े साडी कंट्री वास्ते कोई नवी चीज़ नहीं है, लेकिन पिछे जे इहदा प्रयोग बहुत लुप्त हो गया सीगा। उहनूं खेती विरासत मिशन और होर ऐसे जी संस्था जिहड़ियां नेचर नाल चलना चाहुंदी है उसनों वापस पब्लिक दे विच अवेयरनैस वास्ते लैके आई हैं। हुण इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलट्स जिहड़ा 2023 UNO ने डिकलेयर किया है उस दे तहत प्रोग्राम चल रहे ने। असीं यह स्ट्रेस देना चाहते हैं, पब्लिक नूं दसना चाहते हैं कि बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, लिटल मिलट, फॉक्सटेल मिलट, कोदो मिलट, ये पॉजिटिव मिलट्स की श्रेणी चाहते हैं। अगर असी अपनी रूटीन डाइट के विच मिलट शामिल करिए एटलीस्ट 50% ऑफ द डाइट, नाल हर्बल काढ़े जड़े असी प्रस्तुत किए हैं बिल्कुल ही नेचर के नाल चलन वाले, कोई छेड़छाड़ नहीं, ओनली हर्ब्स नूं मिक्स किया प्रपोर्शन दे विच और प्रस्तुत की है। अगर असी यह अपनी जीवन शैली च लिया सकते हैं तो मैं समझदा डॉक्टरों को जाने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर पुष्कर भाटिया, खेती विरासत मिशन तो दे नाल असी कोई मैं फाउंडर ट्रस्टी हाँ खेती विरासत मिशन का और उस दे एक पार्ट है। अज जड़ा मिलट मेला जो है वो लगा हुआ है और उदे विच असी जड़ा है ये बड़ा सौभाग्य है मेरा साडा कि असी इसका एक हिस्सा है। मिलट्स जो है वह आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, आयुर्वेद नाल ही वह एक संबंध है, मेडिसिन का एक पार्ट है, फूड का भी पार्ट है। आयुर्वेद के नाल जुड़ा होने करके सानू बड़ी खुशी है कि असी इस मिलट मेले के एक अंग बने। मिलट्स का जोड़ा उपयोग है बहुत पुराना चलता आ रहा, इसनों मूल अनाज किया गया, अजकल मोटा अनाज किया जा रहा, पर वास्तविक यह मूल अनाज है, यानी कि यह पहला का जो शुरुआती अनाज जोड़ा है जोड़ा कि प्रकृतिक है, जोड़ा कोई बिल्कुल अननेचुरल नहीं है वो है। उस तो बाद खेती दे नाल संबंधित कुछ चीज़ा जिहड़ियां कुछ कमर्शियली उन्हों या प्रोडक्शन दी वधान दे चक्कर दे विच कणक या गेहूँ और अपना चावल जिहड़ा उस दा उपयोग शुरू हो गया, वो उस टाइम दे समय दे अनुसार जरूरी सी, लेकिन अज समझ आ रही है समाजिक विज्ञानियों नूं और अपना जो जे हेल्थ नाल संबंधित जोड़े साढ़े साइंटिस्ट है उन्होंने समझ आ रही है कि मिलट्स जो है वह एक अपना एलिमिनेट हो गए थे साढ़े जे डेली फूड के हैबिट के वह करके बहुत तरह बीमारियां जड़ियाँ वो आ रही हैं, तो उन्होंने दोबारा तो फिर तो रीइंट्रोड्यूस करवाने जी प्रयास चल रहा है और खेती विरासत मिशन जोड़ा है एक बहुत बड़ा रोल है और समाज के जागरूकता लिया खेती विरासत मिशन का ही बहुत बड़ा रोल है। मैं उम्मीद है कि समाज जोड़ा है जागरूक होएगा और जोड़ा साडा मूल अनाज है वो साढ़े भोजन का एक विशेष आम अंग जो बनेगा। अज जो मिलट्स मेला लगे है इसके साडा 34वां रोड सेफ्टी वीक जो मनाया जा रहा है, ये असं पब्लिक को आम पब्लिक को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिन्हें ट्रैफिक रूल्स ने उन्होंने भिन्न जी पालना करो। डॉक्टर कृतिका भनोट, आयुर्वेदा मेडिकल अफसर। अज असी इतने आयुर्वेदा विभाग पंजाब वालों फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे ते फैमिली हेल्थ वेलफेयर दे FSSAI दे सद्दे उत्ते अपने इत्थे अज एकत्रित होए आ। इहदे विच असी अज मिलट मेले विच आयुर्वेद पक्खों किस तरह मिलट साडे वास्ते उपयोगी हन उन्हां बारे ते किचन फार्मेसी ते मेडिसिनल प्लांट्स की जानकारी देने वास्ते स्टॉल लगाया गया है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਨਯ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਨਯ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬੱਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਸ ਅਸੀਂ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਖੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਓਬੈਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤ ਰੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਮੀਸੀਏਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਕ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਟ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਔਰ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਟਨ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਟ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਈਟ ਰਾਈਟ ਮਿਲਟ ਮੇਲਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਕੋਦਰਾ, ਕੰਗਣੀ, ਰਾਗੀ, ਕੁਟਕੀ, ਸਵਾਂਕ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਮਿਲਟ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਨ ਲੋਕ ਖਾਣ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਈਵਨ PhD ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪੱਧਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਕੰਗਣੀ, ਕੋਦਰਾ, ਸਵਾਂਕ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ।
सो सरकार मैं तवक्को करना सरकार बड़े स्टैप लैके जी मोटे अनाज है मिलट्स है इंटरनेशनल मिलट्स ईयर के उपलक्ष्य कह लो एक ऐसा प्रबंध करेगी कि किसानों को भी मार्केट देगी पैदा करने वाले पास किसान पिछे नहीं है असी मतलब साड़िया पॉलिसीज ये रही कि असी जो दाल मंगाने असं अफरीका तो मंगा रहे वो कितना कितने गलत सी सो उन्होंने चीज़ों असं हम ठीक करने वास्ते ये जरा मिलट्स मेले लगन लोगों जागरूकता आए सेहत प्रति असं चंगा अनाज खाइए चंगी सेहत होएगी सो ये अच्छा स्टैप है और पंजाब सरकार तो भी तवक्को है कि ये वड्डिया पलांघा पट्टी किसान वीर तो सारे सियाने जो तो उन्होंने स्नेहा ठीक है मैं तो सरकार को स्नेहा दिना भी मार्केट का इंतजाम कर दौ बिल्कुल मार्केट का इंतजाम कर दौ मतलब बीजन तो असं कुछ भी बीज सकते हैं असं जो चीज़ कहोंगे असं वह उगा सकते किसान वीरों तुसी इस मेले दे विच देखिया कि इस मेले दे विच वख वख मिलट्स दे उत्तों बनाईयां हुई प्रोडक्ट्स भी आम इत्थे आई हुई किसान वीरां नूं जां साडे जिहड़े मेला देखण आए हे वीर ने बच्चे ने भैणां ने उन्हां नूं इह दिखाईयां गईयां लाइव समान बन रहा ते जिहड़ा इन्हां नूं खवाया गया उम्मीद करदा कि इहो जिहा समान असीं अपने घर दे विच वी बनावांगे मिलट्स नूं आउण वाले सालां दे विच अपने खेतां दे विच उगावांगे तो इन्हां खेतां दे विच उगा के इन्हां तों बाई प्रोडक्ट बना के अपनी सेहत नूं बरकरार रखांगे सो तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।